हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य क्या से शुरू होता है, जैसे क्या है? क्या है क्या, यदि वाक्य क्या से शुरू होता हो तो तब उस समय हैव एज पहले रखेंगे। क्या रखेंगे? हैव एज को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद भी थ्री रखेंगे, उसके बाद अदरवाइज रखेंगे। ठीक है, जो वाक्य क्या से शुरू हो उसको हम कैसे बनाएंगे, परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा वो इस प्रकार से होगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो भी बोलिए। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताएंगे कैसे बनेगा, एग्जांपल देंगे। क्या है ये? एग्जांपल देंगे, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस वाक्य देंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल है, क्या तुमने राम को पीटा है? क्या है एग्जांपल? क्या तुमने राम को पीटा है? तो यहाँ पे क्या है, तो किससे स्टार्ट करेंगे वाक्य? हैव से। किससे स्टार्ट करेंगे? हैव से। तो वाक्य हो जाएगा, हैव यू बीटन राम। बीट में स्पीट ना, बीटन क्या हो गया, इसका थर्ड फॉर्म हो गया। तो क्या हो गया? बीटेक राम। अब हमारा नेक्स्ट वाक्य है, क्या वे लोग यहाँ आए हैं? क्या है? क्या वे लोग यहाँ आए हैं? है, मैं पहले ही बताया था वाक्य किससे शुरू होगा, हैव से। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? हैव। उसके बाद ये क्या हो गया? वे लोग। वे लोग के लिए दे, तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, कम हियर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, क्या राम ने अपना काम किया है? राम ने अपना काम किया है। हैज राम, हैज का प्रयोग इसलिए हुआ कि राम है, नाम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। ये क्या है? थर्ड पर्सन है। तो हैज राम डन दिस वर्क, क्या राम, हैज राम डन दिस वर्क। क्या बच्चे सो चुके हैं? क्या बच्चे सो चुके हैं? Has the children slept? क्या आपका भाई आया है? Has your brother come? क्या आपने खाया है? Have you eaten? Eat का तीसरा फॉर्म eaten। ये तो हो गया हमारा क्या? एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस वाक्य दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व कीजिए। जब तक हम वाक्य को सॉल्व नहीं करेंगे अपने से, तब तक वो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कमियां क्या है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको प्रैक्टिस वाक्य, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारा क्या है, प्रैक्टिस वाक्य है। क्या है? प्रैक्टिस वाक्य। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये क्या है, प्रैक्टिस वाक्य है। तो इसको जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कमियां क्या है, आपको याद वर्ड याद है कि नहीं है, आपको कौन सा वर्ड याद है, कौन सा याद नहीं है, कौन सा वर्ड कहाँ उपयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। तो इसलिए अब मैं आपको वर्ड को, वाक्य को एक बार रीड करके बता देता हूँ, ताकि आपको अगर कुछ वर्ड इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको पता चल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा वाक्य है क्या, क्या आपने राम को देखा है, क्या आपने राम को देखा है। नेक्स्ट वाक्य है, क्या तुमने भगवान को देखा है, क्या तुमने भगवान को देखा है, क्या आपने भोजन किया है, क्या आपने भोजन किया है, क्या राम ने अपना काम किया है, क्या राम ने अपना काम किया है, क्या वे लोग जा चुके हैं, क्या वे लोग जा चुके हैं, क्या बच्चे पाठशाला नहीं गए हैं, क्या बच्चे पाठशाला नहीं गए हैं, क्या आपका भाई खेल चुका है, क्या आपका भाई खेल चुका है, क्या आपने मैच जीता है, क्या है, क्या आपने मैच जीता है, क्या राम तुमसे मिला है। वाक्य क्या है, क्या राम तुमसे मिला है, क्या आपने दवा ली है। लास्ट वाक्य क्या है हमारा, क्या आपने दवा ली है। तो ये जो था हमारा, ये क्या था, प्रैक्टिस वाक्य के लिए कुछ वाक्य हैं जो हिंदी में दिए गए हैं, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। वर्ड कैसे, अभी क्या V2 V3 कैसे बनाए, इसका स्पेशल मैं वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि ये V2 V3 ये याद ही नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला सेट करके जो रेगुलर वर्ब है उसको हम V2 और V3 में एकदम सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो उसका भी मैं वीडियो दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक।